हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी. आई एम शिवानी चौहान. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैकेशन लीव एप्लीकेशन फॉर ऑफिस. ऑफिस गोअर्स जो हैं या फिर टीचर्स हैं, जो भी हैं जो एक जॉब करते हैं, उनको अगर लीव एप्लीकेशन लिखनी हो छुट्टियों पर जाने के लिए, वैकेशन के लिए, तो उसका हम फॉर्मेट देखते हैं. तो सब्जेक्ट है फैमिली वैकेशन लीव वैकेशन एप्लीकेशन की, आप फैमिली के साथ छुट्टियों पर जा रहे हैं उसके लिए. फिर डियर मिस्टर और मिसेज मैनेजर या सुपरवाइज़र आप लिखेंगे. फिर आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू फॉर अप्रूविंग एन 8-day प्लान्ड लीव फॉर वैकेशन. आई एम गोइंग टू थाईलैंड फ्रॉम डेट टू डेट विद माई फैमिली. तो मतलब ये है कि आपने लिख रहे हैं ये लीव एप्लीकेशन क्योंकि आप 8 day, 10 days, 5 days, जितने भी दिन की आप लोग एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, जितने दिन की छुट्टियों पर के लिए जा रहे हैं, तो वो आप बता देंगे कहाँ जा रहे हैं, वो भी मेंशन कर देंगे और डेट मेंशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक आपको छुट्टियाँ चाहिए. फिर वही कि आई फील कॉन्फिडेंट दैट माई टीम मेट्स विल बी एबल टू कैरी ऑन द वर्क ड्यूरिंग माई एब्सेंस, कि आपके जो टीम मेट्स होते हैं होंगे वो काम वाम कर लेंगे अच्छे से आपकी एब्सेंस में भी. तो आई होप टू गेट बैक योर क्विक रिस्पॉन्स. फिर आप लिखेंगे कि आप होप करते हैं जिसको आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो जल्दी ही आपकी लीव एप्लीकेशन पर रिस्पॉन्ड करें और उसको अप्रूव कर दें. थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई प्लान्ड लीव वैकेशन लीव एप्लीकेशन फॉर वेकेशन. और लास्ट में वही सिंसेरली आता है और आपका नाम आता है. तो इस तरीके से आप लीव एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि वही मतलब वही देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन जिसको आप लिख रहे हैं, फिर किस बारे में आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि कब से कब तक ये आपको छुट्टियाँ चाहिए. और फिर वही कि आप क्विक रिस्पॉन्स की अपेक्षा करते हैं कि जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और छुट्टियाँ मिल जाएंगी आपको, और फिर सिंसेरली लास्ट में और आपका नाम आता है. थैंक यू.